आज का दिन गोरखपुर के लिए बेहद खास है, खासकर उन जोड़ों के लिए जो आज एक दूजे के होने जा रहे हैं, क्योंकि आज जानकी का माँ जानकी का भी विवाह हुआ था, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से भी कहा है। आप तस्वीरें देखेंगे कि हम जिस समय चंपा देवी पार्क में मौजूद है और जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक खाली जोड़े ही जोड़े नजर आ रहे हैं। चारों तरफ जो है खुशहाली का पर्व है, हर तरफ जो जोड़े है जो शायद गरीब थे, जो किसी कारणवश उनके पास पैसा नहीं था धूमधाम से विवाह करने का, तो ऐसे में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत आज इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है और बाकायदे यहाँ पे जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ जोड़े मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात कर लेते हैं, जा खड़ा करा दिए, हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह का पर्व है और किस तरह का उत्साह आज का दिन इन लोगों के लिए है। ये बताइए आज कैसा लग रहा है आप लोगों को, आज एक दूसरे के आप लोग होने जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री आप लोग के उसके साक्षी बने। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए स्वयं यहाँ पर आए और आशीर्वाद प्रदान किए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आपके लिए यहाँ पे आए थे, क्या लग रहा था कि सामूहिक विवाह की वजह से आप लोग अब एक दूजे को हो जाएंगे, जो परेशानियां थी वो परेशानी नहीं होगी, शादी में जो अड़चन आ रहा था वो नहीं? हाँ सर, वो सब प्रॉब्लम भी दूर हो गए और हमें ये भी खुशी हो रही है, कम से कम आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और सामूहिक विवाह द्वारा ही हमारा विवाह संपन्न हो रहा है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है सर। ऐसा लग रहा है आपको, क्या कहोगे आज? सर बहुत खुशी है सर, बहुत अच्छा भी लगा, तमन्ना है कि हर साल दस साल जो मुख्यमंत्री हमारे रहे तो बाबा साहब भी रहे, बाबा जी बहुत खुश है। किसी के शादी में कोई शायद नहीं पहुंच पाता, लेकिन आपके शादी में मुख्यमंत्री खुद गवाह बने हैं, तो वो पल कैसा लग रहा है, क्या कहोगे उनके? सर खुशी हम बता नहीं सकते, देखिए जवान से कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी है और अपने आप को हम भाग्यशाली मानते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, और इनकी इस जोड़े की शायद आज सामूहिक विवाह में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम धर्म के भी लोगों ने यहाँ पे पूरी रीति रिवाज के साथ एक दूजे के होते हुए नजर आए, और यहाँ पे कई जोड़े जो मुस्लिम के थे वो भी यहाँ पे निकाह पढ़ाते हुए नजर आए, जो मौलवी हैं बाकायदे आप देखेंगे कि किस तरीके से वो एक एक जो जोड़े हैं उनको निकाह पढ़ा रहे हैं, यानी हिंदू धर्म के जो जोड़े हैं उनके विवाह को लेकर के तो वो साक्षी बने ही थे, मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी उस जोड़ों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साक्षी बने थे और बेहद अहम पल है इन लोगों के लिए भी। कैसा लग रहा है आज एक दूजे के आप लोग हो रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके साक्षी बने? बहुत अच्छा, जितने पक्ष के लोग हैं सबको भोजन कराके आज क्या कहोगे, आज आप एक दूजे के हो रहे हो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत, पैसे भी बच रहे हैं और एक जो आपका एक रस्म होता है वो भी उसी हिसाब से किया जा रहा है रीति रिवाज के साथ, कोई भी स्तरीय अधिकारी है सारे रस्म रिवाज के साथ मौलाना आए हुए हैं, हम लोग बहुत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हमारे शादी के साक्षी बने हुए, सारे कार्यक्रम रीति रिवाज के साथ हो रहे हैं, मौलाना आके सारे स्टेप बाय स्टेप हमसे सारे चीज़ें जो शादी के लिए चाहिए हमें सारे सामान भी मिल रखे हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा लग रहा है आज? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ का इंतजाम किया गया है, बिल्कुल शादी का माहौल है, खुशियों की। आपके लिए बेहद अहम दिन होगा, आपकी पत्नी आपको मिल रही है, उनके साथ अब पूरी जीवन आपको बितानी है। हाँ ये भी जरूरी है, आज अब से शादी वादी हो रही है, जिम्मेदारी आएगी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी इस बात की कि हमारी शादी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के देखभाल देख रेख में हो रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से शादी हो जाएगी? अच्छा।